والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم دروسي فريا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد وصلاة کے بعد گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو پر گفتگو ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے وہ ہرگز دنیا اور زینت کے لیے نہیں تھے نفس یا شہوت کے لیے نہیں تھے اور وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں تعدد ازواج کا یعنی زیادہ بیویاں ہونے کا ان کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کی تھی اسی سلسلے کو مزید اور واضح کرتے ہوئے عرض کروں جیسا کہ بیان کیا تھا کہ جنت میں ایک مرد کو جو جنتی ہوگا دنیا کے 100 مردوں کی قوت حاصل ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کم از کم 30 جنتی مردوں کی قوت حاصل تھی اس طرح تقریباً کم از کم زیادہ کی روایتیں بھی ہیں 3000 مردوں کی قوت حاصل تھی آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں یہ بتائیے کہ آپ ایک وقت میں اگر ایک روٹی بھی کھاتے ہوں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں تو 3000 مرد کتنی روٹیاں کھائیں گے 3000 کھائیں گے
और अगर आप दो खाते हो तो वो कितनी खाएंगे? 6000 खाएंगे। और अगर दो वक्त का खाना मिला दिया जाए तो फिर कितनी हो जाएंगी? 12000 रोटियां हो जाएंगी एक दिन की। तो 12000 रोटियां खाने की ताकत रखने वाला अगर एक रोटी या दो रोटी खाए या 4-6 खाए सिर्फ एक वक्त में, नहीं मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कुव्वत के लिहाज से कि एक शख्स जो है वो एक वक्त में दो रोटियां खाता है, दो वक्त में 4 खाता है, अगर उसकी जिंदगी आप 50 साल लगाएं तो उससे हिसाब कर लें कि वो कितनी रोटियां खा लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3000 मर्दों की या 4000 मर्दों की कुव्वत हासिल थी, उसके बावजूद आपकी खुराक कितनी कम थी। जैसा कि सीरत की किताबों में तस्करों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में 14 शेर जौ खाए हैं। बहुत कम गजा खाते। एक वो जो सिर्फ दो रोटी खाने की ताकत रखता है उसे अगर 3000 खानी पड़ जाए तो खा लेगा? नहीं। जो 3000 खा सके, 6000 खा सके, दो वक्त को मिलाए 12000 रोजाना खा सके, वो अगर सिर्फ 10 रोटियों पे गुजारा करे तो ये कमाल है या नहीं? बिला तशबीह बात समझने और समझाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 12000 शादियां करते तो आपके पास कुव्वत थी, आपके पास इतनी कुव्वत थी, उसके बावजूद सिर्फ 10 बीवियों पर 11 बीवियों पर गुजारा किया, एक वक्त में 9 रही और वो भी सब ऐसी जो कोई एक मर्तबा की कोई दो मर्तबा की बेवा थी, क्या इसके बावजूद उनके बारे में ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो नफ्स का गलबा रखते थे? नहीं। ये लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया है, इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सी भी पहचान हासिल नहीं की, वरना ये ऐसी बातें नहीं करते। 25 बरस की उम्र में पहला निकाह होता है, वो 25 साल ऐसे हैं कि दुश्मन गवाही देने को तैयार है। वो कहते हैं हमने इसे कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म वाला देखा, इसकी शर्म और हया की हम कसम खा सकते हैं। वो बड़ा तकवा की ऐसी मिसाल है वो जिंदगी कि वो कहते हैं कि किसी की बहू बेटी की तरफ टेढ़ी निगाह करना तो दूसरी बात है, इसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे में शादी होती है तो 15 साल बड़ी उम्र की औरत से होती है और उसके साथ 27 बरस हंसी खुशी गुजारते हैं, कोई शिकायत नहीं है, किसी और औरत की ख्वाहिश नहीं है। वो औरत पर्दा कर जाती है तो जितने निकाह होते हैं सिवाय सय्यदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से बाकी तमाम बेवाएं हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस सिलसिले में मैं आपको वजाहत के साथ गुज़िश्ता जुमे कई बातें बता चुका हूँ। और दूसरी शादियां जो की उलमा ने उनके बारे में भी तफसील लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कौमों मुख्तलिफ कबीलों खानदानों में शादियां की, उनमें कई मसलहतें भी थी। मसलन कुछ खानदान ऐसे थे जो जब भी मुसलमानों के खिलाफ काफिर जंग करते तो वो खानदान काफिरों का साथ देते थे, जब नबी पाक ने उन खानदानों में शादियां करनी तो फिर उन्होंने काफिरों का साथ देना छोड़ दिया। कई मसले ऐसे हैं, असल बात तो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है अल्लाह के बताने से, लेकिन उसके बावजूद किसी मुसलमान के जहन में कभी यह ख्याल नहीं आता, क्योंकि जब ये बात वाज़ेह हो गई
कि असल जवानी का टाइम तो एक बूढ़ी औरत के साथ गुजार लेते हैं, वो भी हंसी खुशी गुजारते हैं, तो उस नबी के बारे में हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसे औरतों की ख्वाहिश थी। हजरत सफीजा, अब सफिया का लफ्ज कहते हैं, असल लफ्ज सफीजा है। इनके निकाह से पहले यहूद किसी न किसी तरह कुफार का साथ देते थे, जितने यहूदी थे। जब इस खातून से निकाह हुआ तो उन्होंने फिर कभी काफिरों का साथ नहीं दिया। बज़ाहिर हर आदमी को यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसने भी नबी पाक की सीरत पढ़ी है वो तस्लीम करेगा कि मेरे नबी की जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से उन पर उंगली उठाई जा सके। वो तो सबके लिए मिसाल बनकर आए थे। और अल्लाह फरमाता है, वही जक्की हिम, वो तुम्हें पाक करता है, तो जो दूसरों को पाक करने के लिए आए वो खुद नापाक नहीं हो सकता, उसके बारे में ये गुमान भी नहीं किया जा सकता। और जितने लोग ये गलत बातें करते हैं उनके पास कोई दलील नहीं सिवाय उनकी अपनी बातों के। जब वो अपना हाल देखते हैं तो वो दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं। नबी पाक तो आईना है, उनमें जो कोई देखता है अपनी शक्ल देखता है, जिसके अंदर शैतान है, जिस पर नफ्स का गलबा है वो नबी पाक में देखता है अपने आप को, तो वो समझता है ये भी मेरे ही जैसे हैं, हालांकि उसको मालूम नहीं, वो तो अपना आप देख रहा है। अल्लाह का हदीस तो बेमिसल है, बेमिसाल है। और फिर नबी पाक की बीवियों के हवाले से भी एक दो बातें अर्ज करूं। कुरान पढ़िए, कुरान में इमरात का लफ्ज आया है औरत के लिए। नबियों का जिक्र इमरात लूत या वाखलना लहू जौजा, औरत नूह अलैहि सलाम की औरत, लूत अलैहि सलाम की औरत, ये अक्सर अल्फाज आए हैं। किसी नबी के जिक्र में जौजा का लफ्ज आ गया, लेकिन जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो अल्लाह फरमाता है, या लिसान नबी। अंदाजा करें जब नबी से निस्बत हो जाए तो अल्लाह को वो औरतें भी प्यारी हो जाती हैं। और अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, लस्तुन्नका अहदिन मिनन निसा, ए नबी की औरतों ये याद रखो तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। मेरे हबीब की बीवी बनी हो तो अब कोई और औरत तुम्हारी तरह नहीं है। यहाँ तो ये मसला भी समझ में आ गया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाने पर वो औरतें ऐसी हो गई कि अल्लाह फरमाता है कि बाकी कोई और औरत तुम्हारी तरह नहीं है, तो जिसके साथ लगने वाली औरतें बेमिसल हो गई, वो नबी कितना बेमिसल होगा। जो औरतें उनके साथ लगी, अल्लाह फरमाता है कोई और औरत तुम्हारी तरह, औरतों में से तुम किसी और की तरह, तुम नबी की बीवियां। तो जब नबी की निस्बत की वजह से उन खवातीन को इतनी इज्जत मिली है तो अंदाजा कर लीजिए कि नबी पाक के बारे में जो कहते हैं गलत बातें करते हैं उनको भी सोच लेना चाहिए कि नबी की मिसल भी कोई और नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए, जितनी बीवियां आपके अक़्द में निकाह में रहीं, उनके लिए कुरान में क्या आया, वा अज़वाजुहू उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियां मोमिनों की माएं, मोमिनों की, जरा ऊंची कहिएगा। कोई बेटा अपनी माँ के खिलाफ बात करे तो वो अच्छा बेटा कहलाएगा, कोई औलाद माँ के खिलाफ बात करे वो अच्छी औलाद कहलाएगी। अफसोस उन लोगों पर जो खुद को मोमिन कहते हैं और फिर नबी की बीवियां जो मोमिनों की माएं हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं। इनको याद रखना चाहिए कि ये लोग अच्छे लोग नहीं, अगर अच्छे होते तो ऐसी बातें न करते।
میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا مقام رکھتی ہیں؟ مومنوں کی مائیں, روحانی مائیں ہیں, جسمانی نہیں, روحانی مائیں. ہم ان کی جسمانی اولاد نہیں ہیں, روحانی اولاد ہیں, وہ ہماری روحانی مائیں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ کتنا مقام رکھتی ہیں, آپ پچھلے جمعے سن چکے کہ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے جن کو اللہ کا سلام آتا تھا, حضرت عائشہ کو اللہ کا سلام آتا تھا. یہ وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا. امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کے خلیفہ, امام الاولیاء لقب اولیاء کے امام, مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ, بڑے عالم, بڑے عابد, متقی, پارسا, بزرگ, بہت بڑی شخصیت ہیں. اہل علم ان کا مقام جانتے ہیں. علماء نے لکھا کہ ان کو جو علم ملا ہے وہ نبی پاک کی برکت سے ملا ہے. وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت میمونہ, سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو میں سکھاتا رہتا ہوں, نبی پاک کا ذکر آئے دروشی پڑھا کریں, اللہ والوں کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ. عورت ہو تو انہا, مرد ہو تو ان ہو, دو ہو تو ان ہوما, جمع ہو تو ان ہوم. عورتیں زیادہ ذکر کیا جائے تو ان ہننا. حضور کی پاک بی بی کی ایک کنیز, ایک خادمہ تھی, اس کے بیٹے تھے حضرت امام حسن بصری. حضرت میمونہ کی ایک خادمہ کے بیٹے, چھوٹی سی عمر تھی وہ خاتون, حضرت میمونہ کی خدمت کیا کرتی تھی, ان کے پاس رہتی تھی. مائسہ نے اسے کسی کام سے بھیجا, یہ چھوٹے سے بچے تھے, اس نے دودھ پلایا ان کو اور سلا دیا اور کہا کہ یہ بچہ سو رہا ہے, ذرا اس پہ نگاہ رکھ لیجئے گا, میں آپ کا کام کر کے آتی ہوں. وہ خاتون کام کرنے چلی گئی, پیچھے بچے کی آنکھ کھل گئی, اور بچے کو آنکھ کھل جائے تو پھر ماں کی یاد آتی ہے, وہ ماں کو ڈھونڈتا ہے, بھوک ہو تو پھر رونے لگتا ہے. مائسہ نے اسے گود اٹھایا لیکن اسے بھوک لگی ہوئی تھی, آپ نے اپنے سینے سے لگایا چپ کرانے کی کوشش کی, مگر وہ بچہ بھوک سے رونے لگا. آپ نے اس کے منہ میں اپنا دودھ دیا, اللہ کی قدرت کے دودھ اتر آیا, حضرت نے وہ دودھ پی لیا. علماء فرماتے ہیں وہ سینہ جو نبی پاک کے سینے سے لگا, اس سینے کی برکت والا دودھ حضرت امام حسن بصری نے دیا, اس لیے اللہ نے ان کو علوم و معرفت اور درجہ عطا کیا. ذرا نسبتوں کا اثر دیکھیے, دیکھیے یہ پیغام کس طرح تقسیم ہو رہا ہے, اور لوگ اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان اعتراض کرنے والوں نے کچھ پایا نہیں, کچھ پایا نہیں. اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کیا, محبت کی, تعظیم کی, وہ لوگ آج بھی دیکھو ان کے دامن بھرے ہوئے, ان کے دامن. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو, والا حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ پت تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ پت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر.
نہیں کا لفظ کسی سائل کو میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آج لوگ دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں کہ حضور نے ان سے ٹکٹ مانگا ہے آنے جانے کا. اعلی حضرت دیکھو کیا فرماتے ہیں. آسمان آنے زمین آنے زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب اس کا ہے تیرا تیرا. سارے کس کے ٹکڑے کھا رہے تھے؟ نبی پاک سے. کس کے مہمان بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو جس کا صدقہ ساری کائنات ہے؟ اسی لیے وہ فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھٹیا آئے کا چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا کیا شمار ہے؟ ان کی نسبت جسے بھی مل گئی اس کا دامن بھر گیا. اب جس کسی کو جو ملا ہے ان کی بار کا کوئی انکار کرے تو اس سے پوچھو رب کا پتہ کس نے بتایا, رب کی پہچان کس نے کروائی, کلمہ کس نے پڑھوایا, یہ مسلمان کس نے بنایا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے بار کا ہے مصطفیٰ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کے نام آپ حضرات کو یاد ہوں گے, یاد ہونے چاہیے. سب سے پہلی پاک بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. دوسرا نکاح حضرت صفدہ رضی اللہ تعالی, سودا بھی کہتے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر حضرت زینب, یہ ان کی پہچان کے لیے بتاؤں نبی پاک کی دو بیویاں تھیں جن کا نام زینب تھا. دونوں کے باپوں کے نام بھی لیے جائیں تو پہچان ہو جاتی ہے لیکن ایک کو ام المساکین کہتے ہیں. یہ ام المساکین انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہوتا تھا, جو کچھ آتا تھا وہ مسکینوں کو دے دیتی تھی, فوراً تقسیم فرما دیتی تھی. تو یہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وقت
میں اکٹھی نبی پاک کے نکاح میں رہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ نکاح ایسے بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا مگر وہ حضور کے ساتھ نہیں رہی. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے نبی پاک کے ایک بیٹے تھے, یہ خادمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے بارے میں کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی, سلیب تھی, لیکن ہمارے لیے ان کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. ہم سب کو چاہیے کہ جس کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے, قرابت ہے, ہم اس کا احترام کریں, اس سے محبت کریں. اس موضوع پر متعدد کتابوں میں تفصیل موجود ہے, میں نے مختصراً آپ کو یہ بتایا ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو اعتراض ہو, کوئی شبہ کسی کے ذہن میں رہ جائے, وہ بیان کر سکتا ہے, میں اس کا جواب پیش کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو کسی کے ذہن میں اس تفصیل کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیے, نبی معصوم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے لیے عورتوں سے شادیاں نہیں. میں نے یہ بھی وجہ بتا دی آپ کو پچھلے جمعے کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے زیادہ محبت کیوں رکھی, اس کی وجہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. آئیے تفسیر کے تحت مزید گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے. پتا چلا شادیاں کرنا, بچے ہونا یہ نبوت اور رسالت کے منافی کوئی بات نہیں. نبی انسان بن کر ان کو انسانی صورت میں بھیجا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے انسانوں کو فیض پہنچانا ہوتا ہے, تو جب کوئی کسی صورت میں آتا ہے اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال بن کر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خصوصیات رکھی ہے جو دوسرے عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی. اس لیے مجھے اور آپ کو ان ہستیوں کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی ہمارے جیسے ہیں, جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں, جو بھی غلطیاں کرتے ہوں گے, ایسی بات نہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں اور ان کے بارے میں شیطانی خیال یا نفس پرستی وغیرہ کے گمان کرنا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے, ان کے بارے میں کوئی ایسا گمان کیا جا سکتا نہیں. بات آ گئی ہے تو آپ کی معلومات کے لیے کرتا چلوں. ہو سکتا ہے کوئی لحاظ کی وجہ سے سوال نہ کرے یا میرے سامنے نہ کہے, لیکن اس کے دل میں یہ سوال رہے تو میں اس کو بھی مطمئن کر دوں. لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں, کوئی بدگمانی نہیں, مگر صحابہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سی شادیاں کی, کسی کی چار, کسی کی پانچ, کسی کی چھ, کسی کی سات, کسی کی آٹھ, کسی کی دس بیویاں تھی. تو میں بتا دوں, ایک ہی وقت میں کسی کی اتنی بیویاں نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ سنت نہیں, نبی پاک کی خصوصیت ہے. کیا ہے یہ, ذرا اونچی کہیے گا, یہ صرف نبی پاک کی خصوصیت ہے, کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, آپ کو تو ایک نہیں سنبھالی جاتی,
उस एक के साथ पूरा आप अच्छा सलूक नहीं कर पाते, दो हो जाए तो अदल करना मुश्किल, आपको वक्त का दूसरी चीजों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है, फिर आप क्या कर पाएंगे। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह करीम ने चार से ज्यादा निकाह किए, मगर एक वक्त में चार से ज्यादा बीवियां नहीं थी। उस जमाने में लौंडियां भी हुआ करती थी, उनका हुक्म भी कुरान में है, अब वो माहौल नहीं, अब वो सिलसिला नहीं है। तो बीवियों के अलावा उनकी कनीजें और खादमाएं भी होती थी, और उनके लिए भी कुरान में अहकाम है, उनका भी वहाँ, क्योंकि मुसलमान गैर मुस्लिमों के इलाके पता करते थे, वहाँ से उनको माल गनीमत में औरतें भी मिला करती थी, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने कानून बना दिया था, और मुजाहिदों को मुसलमानों को वो खवातीन रखने की इजाजत थी। ये ना समझे कि वो लोग खाम खा आप लोगों ये गुमान करने के कोई बुराई बदकारी करते थे, ऐसा हरकत नहीं, बल्कि वो भी अल्लाह ने उनके लिए हलाल की हुई। लेकिन किसी ने एक वक्त में चार से ज्यादा बीवियां नहीं रखी। उस जमाने में ये आजकल की तरह प्रोपेगेंडा नहीं, उस जमाने में ये आजकल की तरह प्रोपेगेंडा नहीं था कि हम दो और हमारे दो, कम बच्चे खुशहाल कराना, ये इस तरह की बेहयाई फहाशी वगैरह नहीं होती थी, जो अब सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, घरों में, हर जगह ये बेहयाई फैली हुई है। वो बातें करते हैं, बच्चे भी वो याद करते हैं, आगे वो सिलसिला चला हुआ है। पहले इन बातों की आमतौर पर किसी महफिल में गुंजाइश नहीं होती थी, कोई करता भी था तो छुपके, और अब खुले आम सारी ये बकवास होती है। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह करीम की औलाद 30 से ज्यादा, 20 और 10, 30 बच्चों से ज्यादा बताई जाती है, 30 से ज्यादा बच्चे थे। बाजों ने कहा 18 लड़के थे और 13 लड़कियां थी, बाजों ने कहा 18 लड़कियां थी और गालिबन 13 या 17 लड़के थे। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में लिखा है, उनके 49 बच्चे थे। कितने? 1 कम 50। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मेरी उम्मत बढ़ाओ ताकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की ज्यादा तादाद देखकर खुश हूँ, दूसरों को, दूसरों की उम्मतें कम हो मेरी उम्मत ज्यादा। और हम कहते हैं नहीं जी, वो सारा प्रोपेगेंडा इन मुसलमानों के लिए है ताकि मुसलमान ज्यादा पैदा न होने पाए। मैं मानता हूँ वसाइल वसाइल की बात, लेकिन ये वसाइल तो तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, अल्लाह की तरफ से तो कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला जिसको भेजता है उसका रिस्क पहले भेज देता है। अगर तुम लूट मार ना करो, दूसरों का रिस्क ना उड़ाओ, ये तकलीफ है कि एक शख्स को इतना दे रखा है कि वो वजीर आजम का शौहर बनकर सारी दुनिया अपनी जेब में समेट रहा है और दूसरा सबको भूखा मार रहा है, तो फिर आप खुद ही समझ लें, फिर आबादी मसला बनेगी या नहीं बनेगी। जब खुद कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले लूटमार करेंगे तो फिर मसाइल होंगे। ये आबादी मसला नहीं है, ये तुम्हारी जो है ना देनी बर्बादी, ये मसला है। फैशन बन गया, दुआए अमन के हफ्ते मनाए जाते हैं, दुआ करना फैशन। हालांकि दुआ के लिए पूरे हाथ नहीं उठते इनके, क्यों उठाएंगे, अब बस अकल इतनी है। ऐसे लोगों का अंजाम भी फिर आप लोगों ने देखा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन के बड़े भाई, हजरत अली के बड़े बेटे, नबी पाक के बड़े नवासे, उनके बारे में भी एक एतराज होता है, उसका भी जवाब दे दूं फिर आगे चलूं। मौका आया, बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कि किसी के जेहन में हो और बाद में वो कहीं शर्म के मारे सवाल ना करे, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। उनके बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने 90 से ज्यादा निकाह किए। कितने? 90, 80 और 10, 90 से ज्यादा निकाह किए, कसीर निकाह थे।
और ये भी मशहूर है कि कोई बीवी ज्यादा अरसे तक नहीं रखते थे, तलाक दे देते थे। कोई दो दिन, कोई चार दिन, कोई हफ्ता, कोई महीना, कोई दो महीने, कोई साल, कोई दो साल, ये मशहूर है आपके लिए। इस पर लोग बहुत एतराज करते थे। मैं इसका भी जवाब पेश कर दूं ताकि किसी के जहन में ये एतराज हो, सवाल हो, तो उसका शुबा भी दूर हो जाए। मैंने आपको तारुफ करवाया ये कौन है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, खातून जन्नत, सारे जहान की औरतों की सरकार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली के नूरे नजर लखते जिगर, जिनकी शान में हुज़ूर ने क्या फरमाया कि मेरे ये बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार। देखिए हजरत फातिमा की शान में हुज़ूर ने क्या फरमाया कि जन्नत की औरतों की सरदार, सारे जहान की औरतों की सरदार है। वहां मर्दों का जिक्र नहीं फरमाया हुज़ूर ने, ये नहीं कहा सारे जहानों की सरदार है या सारे जहान के लोगों की सरदार, नहीं, सारे जहान की औरतों की सरदार। पता चला औरत सिर्फ औरतों की सरदार हो सकती है, मर्दों की बात समझ गया ना आपने, मैंने कुछ समझाया आपको। जब वो नहीं हो सकती तो ये किधर से हो सकती, इसलिए हम इसको मानते। आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, आपको अगर यकीन है तो कहिए हम इसको मानते नहीं। अल्लाह इससे हमारी जान छोड़ाए, दुआ करो जल्दी दफा हो जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी बात कर जाता हूँ, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं आप सियासत करते हैं, अगर इसी का नाम सियासत आपने रखा हुआ है तो फिर ये सियासत मेरी है। वो सियासत जो जिसको आप सियासत कहते हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हक बात करना ये मेरी सियासत है और मैं इसको छोड़ सकता नहीं। अल्लाह मुझे हक बात पर कायम साबित रखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस शहज़ादे की शान में फरमाते हैं कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार, फरमाए अपनी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। और कुरान में आले बैत की शान में आयत उतरी कि अल्लाह ताला तुम्हें पाक रखे जैसा के हक है पाक रखने का, और वो भी नबी पाक के आले बैत में शामिल है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर ओढ़ाकर खुद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती वतहिरहुम तत्हीरा, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं इनको पाक रख, कैसा कि हक है पाक रखने का। तो नबी पाक की दुआ मकबूल है या नहीं है? तो उसके बाद कोई शुबा कर सकता है कि इमाम हसन पाक नहीं थे? पक्का यही यकीन है कि वो पाक थे। हम उनको मासूम नहीं मानते, मासूम सिर्फ नबी और फरिश्ते हैं, हम इनको महफूज मानते हैं कि ये लोग अल्लाह की हिफाजत में है। गुनाह कर सकते हैं मगर करते नहीं क्योंकि अल्लाह हिफाजत फरमाता है। अब रही के बात के उन्होंने निकाह ज्यादा क्यों किए, इसका जवाब सुन लीजिए। आपने ये भी सुना होगा कि अगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला मखदूमा कायनात, सारे जहान के सैयदों की मां, नबी पाक की लाडली प्यारी बेटी, अपने इन दोनों बच्चों को लेकर नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। हुजूर अपने इन बच्चों को कुछ अता फरमाइए, अपने इन बच्चों को कुछ। पता चला सैयदा का अकीदा था कि मेरा पापा वो है जो सब कुछ देता, सब कुछ दे। और आज ये लोग कहते कुछ नहीं दे सकते, असल में इन्होंने लिया, इन्होंने ना मांगा और ना इन्होंने लिया, जिन्होंने लिया वही मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन को मैंने अपना इल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी शजाअत दी। जाहिरी हुक्म भी अता हुआ हजरत इमाम हसन, सर के बालों से लेकर सीने तक हूँ बहू तस्वीर से नबी पाक की,
और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक लगी बाकी तकमील थे। दोनों में जाहिरी हुसन भी तकसीम हुआ, बातनी कमाल भी तकसीम। कितने खूबसूरत होंगे वो, कितने प्यारे होंगे वो, चूंकि खूबसूरत बहुत थे, शहजादे थे और नबी पाक की औलाद थे, जन्नत के नौजवानों के सरदार थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला इन दोनों शहजादों से चला, तो लोग उनकी बारगाह में अपनी बेटियां हदिये के तौर पर पेश किया करते। अगर ये बेटी हदिया है आपकी बारगाह में, क्यों? दो वजह से। एक तो ये कि हमें नबी पाक के खानदान से ताल्लुक हो जाएगा, नबी पाक के खानदान से हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और ये कोई मामूली बात है। नबी पाक के रिश्तेदार हो जाएंगे इसलिए आपसे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ससुराली है, जो मेरे सबक वाले हैं, मुझसे ताल्लुक रखने वाले हैं, कयामत के दिन हर एक का रिश्ता नाता टूट जाएगा, मेरे रिश्ते नाते नहीं। हजरत उमर जैसी शख्सियत ने हजरत अली की बेटी से शादी की, क्यों? इसलिए कि मेरा हुजूर के खानदान से ताल्लुक हो जाए। तो लोग इनकी बारगाह में बेटियां पेश किया करते थे। एक तो ये कि इनकी बरकत से हमें निस्बत हासिल हो जाएगी, दूसरा बख्शिश और नजात और रहमत हासिल करने के लिए कि हम खानदान रसूल के रिश्तेदार बनकर अल्लाह की रहमतें हासिल करेंगे, और इस लिहाज से भी कि इनकी बारगाह में हदिया पेश करना, हमारी बेटी का इनके साथ वाबस्ता होना हमारे लिए इज्जत की बात है। लोग लाकर हदिया पेश करते थे, तो आपको हदिया कबूल फरमा लेते, निकाह कर लेते, कुछ अर्सा उसको अपने पास रखते, फिर तलाक दे देते, तो लोग उसी खातून से फिर बहुत लोग उसके तालिब हो जाते कि ये वो औरत है जो नबी के शहजादे की बीवी रह चुकी है, तो लोग उससे शादी कर लेते। ये नहीं कि उसको बेवा बन गई या तलाकशुदा रहकर सारी उम्र गुजारनी होती, लोग उससे शादी कर लेते कि ये वो औरत है जो नबी के शहजादे की बीवी रह चुकी है, बरकत वाली है, तो वो उससे शादी कर लेते। तो आपने जो कसीर निकाह किए वो इसलिए किए, और जिस किसी से निकाह करते थे वो अमीर औरतें नहीं थी, गरीब थी, इस बहाने आप उनकी अच्छी खासी इमदाद भी कर दिया करते थे, इतना उनको दे देते थे कि फिर उनको दोबारा मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग अच्छे लाते थे तो आप उसी हिसाब से उनमें तकसीम भी फरमा देते थे। तो क्या इसके बाद आपको शुबा रहता है कि वो दुनिया के लिए करते थे? पूछ रहा हूँ आपसे। तो जब तक हकीकत मालूम ना हो उस वक्त तक जबान दराज नहीं करनी चाहिए, पहले जानना चाहिए उन मुकद्दस हस्तियों के बारे में बदगुमानी करके, जो इनके बारे में गलत बात करके हम कोई नेकी नहीं कमाते, हमें कुछ मिलता नहीं, ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में गलत बात करने से बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह ताला हमें अदब की तौफीक दे, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अंदाजा करें सारी दुनिया उनका नाम चूमे, उनसे मोहब्बत करे और जन्नत पाए, और खुद मुसलमान कहलाने वाले कुछ लोग अगर इन हस्तियों की शान में गुस्ताखी बेअदबी करें, तो बताइए फिर क्या हम इन लोगों के बारे में कुछ गुमानी कर सकते? ये लोग फिर ईमान वाले नहीं। ईमान वाला ऐसी हस्तियों की कभी भी बुराई बदगोई कर सकता नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बेशक हमने तुमसे पहले रसूल भेजे, और उनकी बीवियां भी थी, बच्चे भी थे, तो पता चल गया कि रसूल अगर शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये चीज नबूवत और रिसालत के मनाती नहीं। और ये लोग इसलिए भी शादियां करते हैं ताकि दूसरों को पता चले कि शादी किस तरह करनी चाहिए, बीवी के साथ किस तरह रहना चाहिए, अजवाजी जिंदगी कैसी होती है, उसका भी हाल ये लोगों को बताएं, ताकि लोग अपनी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ किस तरह बसर करें, वो नबियों से सीखें।
तो ये उन लोगों का काफिरों को कहना, काफिरों का ये एतराज करना कि अगर ये रसूल था तो फिर इसने शादी क्यों की, इसके बच्चे क्यों हुए। अल्लाह फरमाता है ये पहला रसूल नहीं है जो जिसको तुम समझ रहे हो, उससे पहले भी तो रसूल आए हैं। तुमने यही समझ लिया कि ये एक ही आया? नहीं, और भी तो आए थे इससे पहले, उन्होंने भी शादियां की, उनके बच्चे हुए। हाँ, हजरत ईसा और हजरत याया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा जिंदा उठाए गए, हजरत याया को शहीद किया गया। हजरत याया ने शादी नहीं की, हजरत ईसा बगैर शादी के गए हैं, मगर जब दोबारा दुनिया में आएंगे शादी करेंगे। नबी पाक ने फरमाया वो शादी करें, शादी करें, जो 48 साल वो रहेंगे यहाँ बीवी बच्चों के साथ, उनकी अजवाजी जिंदगी होगी, बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी, तो वो शादी करेंगे। वो इसलिए उठा लिए गए कि अल्लाह की यही रजा थी, जिंदा उठाए गए, जब आसमानों से वापस आएंगे शादी करेंगे। लिहाजा शादी करना नबूवत के मनाती, ये हिंदुओं वाला हाल नहीं है कि उनके कन्हैया ने 1000 शादियां की तो वो शावत के लिए थी, या दूसरों ने जो लौंडियां कलीजें रखी वो शावत के लिए रखी है। ये लोग वैसे लोग नहीं जिनके बारे में हम गुमान करें। अल्लाह वाले लोग औरतों से शावत के लिए, नफ्स के लिए ताल्लुक नहीं रखते। इन लोगों के बारे में कोई बदगुमानी करना अच्छी बात नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा काना लिरसूल अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी रसूल का काम नहीं कि वो खुद कोई निशानी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से। ये जिक्र आप पिछले जुम्मों से सुन रहे हैं कि काफिरों ने फरमाइशी मोजज़े मांगे, यदि ये हो जाए, ये हो जाए, पहाड़ चलने लग जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए, हमसे बात करें, और जनाब हवा हमें सफर कराया करे, मुख्तलिफ मोजज़े उन्होंने मांगे, और कभी कोई फरमाइश, कभी कोई फरमाइश। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि रसूल खुद कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है, जाहिर रसूल से होता है। रसूल जब भी कुछ करेगा किसके हुक्म से करेगा, जरा ऊंची कहिएगा, अल्लाह के हुक्म से। तो पता चला रसूल का करना अल्लाह का करना है, इस लिहाज से ये जान ले कि ये फरमाइशी मौजूदे करने वाले ये जान ले कि नबी जो करता है अल्लाह के हुक्म से करता है। इन लोगों का जो मसला है कि ये जो अपने तौर पर फरमाइशें कर रहे हैं, ये जान ले कि जब अल्लाह चाहेगा तभी काम होगा। अगर इन्होंने कह दिया कि जी अभी अभी ऐसा हो जाए, ये सूरज दिन के 12 बजे गुरूब हो जाए, रात के 1 बजे सूरज निकल आए, तो इनके कहने से ऐसा हो सकता नहीं। लिकुल अजलिन किताब, हर वादे की एक लिखत है, एक तहरीर है। अल्लाह ने हर चीज का जिस वक्त होना है वो लिख दिया, किस चीज में किस वक्त होना है वो अल्लाह ने या एक वजाहत कर दूं, पांच मौजज़े ऐसे होते हैं जो नबी की जात को लाजिम रहते हैं, यानी हर वक्त होते हैं। कुछ मौजज़े ऐसे हैं जो उनकी जात के साथ हर वक्त होते हैं, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था, वो मौजज़ा था, तो वो हर वक्त रहता था। ये नहीं कि कभी खूबसूरत नजर आते थे और कभी नहीं नजर आते थे, ये मौजज़ा था, हर वक्त रहता था। और पांच इख्तियारात जो हैं वो ऐसे होते थे जो साबिर होते थे, मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यानी इख्तियार होता था मगर हर वक्त नहीं। मसलन नबी पाक ने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हुआ या नहीं, मगर हर बार इशारा किया तो क्या हर बार हुआ, पूछ रहा हूँ, जरा ऊंची नहीं। हाथ का इशारा किया टूटा हुआ सूरज आया, मगर हर बार नहीं, हर बार इशारा किया, क्यों कि हर इशारे में ये चीज नहीं होती, जब वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तब वो चीज होती है, और वो भी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हम चांद की तरफ इशारा करें तो हमारा इशारा तो कोई हैसियत नहीं, नबी साहब का भी हाथ दूसरी मरतबा कहीं ऐसे ही अगर हुआ भी तो चूंकि एक तो नीयत इरादा नहीं, दूसरा उसका हुक्म नहीं था, तो इसलिए कहेंगे जब भी कोई चीज होगी अल्लाह के हुक्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी, वैसे भी तो जमीन पर रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, लेकिन जब इख्तियार से फेंकते थे अल्लाह के हुक्म से वो सांप बनता था या नहीं,
लेकिन ऐसे ही रखी नहीं बना तो कोई कहे जी अगर होता तो बनता, हर बार बनता। तो बताना है कि जब अपने इख्तियार से वो अल्लाह के हुक्म से छोड़ेंगे तब होगा, और अगर बगैर उसके रखेंगे तो ऐसा नहीं। इससे आप अगर आपने समझ लिया कि हर एक का मामला एक जैसा